आप ज्यादा दिन सुन सकते हैं या फिर थोड़े कम में ही खत्म कर सकते हैं? मैं पिछले कुछ दिनों से भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, जिससे काफी प्रेरणा मिल रही है और हर किसी को मिलती है। मैंने उससे ये सीखा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेते हैं तो आप विजय पा सकते हैं। केवल भगवान की ही बात नहीं, दुनिया में जो इंसान उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, ये भी कहते हैं कि अगर आपको दुनिया जीतना है तो पहले आपको खुद को जीतना होगा। अगर आप खुद पर विजय पा लेते हैं तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। इसका मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे कि भगवद गीता मतदाता जागरूकता में कैसे आ गई? बिल्कुल आ गई। अगर आप ये देखेंगे कि प्रत्याशी क्या है, इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या हैं। क्या आप एक अच्छे मतदाता हैं? आप शराब पीकर, आप साड़ी लेकर, आप पैसे देकर ये कहें कि मैंने वोट देकर आए? नहीं, आपने वोट बेच कर आया है। आप अच्छे मतदाता तो बने ही नहीं, तो फिर वे क्या कसौटियाँ हैं जो अच्छे मतदाता बनाती हैं? आपको ये जानना चाहिए। अच्छा मतदाता वो होता है जिसके अंदर ये समझ हो कि उसका प्रत्याशी कैसा हो। एक उदाहरण से समझाता हूँ। गोविंदा एक बड़े ही बेहतर अभिनेता रहे, जिनके बारे में हम और आप सभी जानते हैं। उनकी कई सारी आइकॉनिक फिल्में आज भी हमारे और दिलों में राज करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गोविंदा का राजनीतिक करियर शुरू हुआ, तो जिस प्रेम और भाव के साथ में लोगों ने उन पर विश्वास जताया कि ये फिल्मी पदों पर जितना बेहतरीन काम करते हैं उतना ही बेहतरीन काम ये हमारे लिए कर पाएंगे, तो यकीन मानिए गोविंदा भारतीय संसद इतिहास के सबसे बेकार सांसदों में से गिने जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति बेहद कम रही और वे अपनी लोक सेवा के प्रति उदासीन रहे। यही कारण है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो प्रत्याशी है वो कैसा है। आपके सामने दो प्रत्याशी खड़े हुए, एक प्रत्याशी जो बहुत अमीर हो, एक सेलिब्रिटी हो और उसके पास एक राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन हो, और दूसरा उम्मीदवार हो जो एक सामान्य हो और 5 से 10 लाख उसकी इनकम हो या फिर उसकी कुल संपत्ति हो। तो आप किसे वोट देंगे? क्या आप उसे वोट देंगे जो सेलिब्रिटी है, क्या फिर आप उसे वोट देंगे जो सामान्य है? यहाँ पर आपको दोनों के बारे में ये देखना है कि क्या उसने अभी तक आपके लिए कुछ किया है, और फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि उसके घोषणा पत्र में किस प्रकार की योजनाएं हैं। क्या वो तकिया उसी बातें कर रहा है या फिर वो ज़्यादा धार्मिक कट्टरता दिखा रहा है? इसके बाद में आपको ये देखना है कि क्या वो आपके लिए कुछ काम कर सकता है। इसके बाद में आपको मतदान करना है, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है। हम कहते हैं कि रक्तदान महादान। रक्त ज़्यादा दिन कितने दिन चलता है, लेकिन विचार सदियों तक चलते हैं। जब आज से 50 साल बाद इस समय का इतिहास देखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि इस समय मोदी सरकार थी, लेकिन मोदी सरकार किसके वजह से थी? हमारे वजह से। यानी कि जब जनता का विचार बदलता है तब सरकारें बदलती हैं। किसी नेता के पीछे, सरकार के पीछे जनता का विचार होता है। जो जनता सोचती है नेता वो देखता है। इसीलिए जब जनता चिंतनशील होगी, जब जनता अपने हितों के लिए मांग करेगी, तब उनका नेता भी ठीक वैसा ही होगा और उनके लिए विकास की बातें करेगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।